सारण के पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने जिले के 7 थानाध्यक्षों का तबादला किया है। सारण पुलिस द्वारा बताया गया है कि जिलांतर्गत कई थाना क्षेत्रों में विधि व्यवस्था संधारण एवं अपराध नियंत्रण में विफलता के साथ ही कई अन्य प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने के उपरांत बेहतर विधि व्यवस्था संधारण अपराध नियंत्रण एवं बेहतर प्रशासनिक सुगमता हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर तबादला और पदस्थापना किया गया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा में जदयू संसदीय दल के नेताओं के नाम का ऐलान किया। लोकसभा में दिलेश्वर कामत को और राज्यसभा में संजय झा को जदयू संसदीय दल का नेता चुना गया है। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने देश के रेल मंत्री से मिलकर सिवान से पटना ट्रेन चलाने की मांग की है। उन्होंने छपरा ग्रामीण स्टेशन पर भी ट्रेनों की ठहराव के साथ महाराजगंज रेलखंड में नए सिग्नल सिस्टम की मांग की है। लोकतंत्र रक्षक जेपी सेनानी संपूर्ण क्रांति मंच के तत्वावधान में जेपी सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भगत सिंह जेपी सेनानी के सौजन्य से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि छपरा नगर निगम की पूर्व मेयर राखी गुप्ता, सेनानी मंच के अध्यक्ष सांवलिया गिरी व संचालक भारत सिंह ने जय प्रकाश नारायण के तेल चित्र पर फूल अर्पित कर किया। छपरा नगर निगम के महापौर लक्ष्मी नारायण गुप्ता एवं नगर आयुक्त सुमित कुमार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के मद्देनजर बैठक आहूत की गई, जिसमें छपरा नगर निगम को इस साल स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट अंक लाने हेतु आवश्यक तैयारी एवं अहम योजना का निर्णय लिया गया। भारतीय जनता पार्टी छपरा के द्वारा 25 जून आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाते हुए एसडीएस पब्लिक स्कूल में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता विधान पार्षद निवेदिता सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आपातकाल कांग्रेस द्वारा भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र पर लगाया गया काला धब्बा है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सारण जिले के मुख्यालय में आपातकाल इमरजेंसी जो हर वर्ष हम लोग इसको मनाते हैं और आपातकाल में जो घटनाएं घटी थी और जिस परिस्थिति में आपातकाल देश पर छोपा गया था, आज उन्हीं विषयों को याद करने के लिए और आज वर्तमान में देश में जो स्थिति और परिस्थिति उसी आपातकाल की तरह उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही तथा कभी हमारे सामने के यूपीए के दलों के द्वारा एनडी गठबंधन के द्वारा सेम सिचुएशन आज भी वही क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है देश में और देश की जनता को एक बार पुनः दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। तो हम सभी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो घटना 1975 में घटी थी उसको याद करके और देश की जनता को सचेत करने के लिए और वो बीती हुई बातों को याद करके और अपने आप को सुरक्षित रखना और सचेत करना और आम जनता को बताना कि उस समय की ताना सरकार ने क्या किया था इस देश पर और किस तरह से देश पर इमरजेंसी थोपी थी और इमरजेंसी में क्या क्या किया गया था उस समय देश के और कैसे हालात थे, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। अपने गांव, शहर और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए छपरा टुडे.com। खबरों को www.chapratoday.com पर पढ़ें। विश्वसनीय खबरों की पहचान छपरा टुडे.com, आपका शहर आपके पास।